सीताराम जाजू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय द्वारा आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर एक कदम हरित और प्राकृतिक ऊर्जा की ओर विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 28 फरवरी के दिन ही प्रसिद्ध भारतीय भौतिकविद डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट को खोजा था। इसी तारतम्य में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सीताराम जाजू गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान तथा प्राकृतिक ऊर्जा के विभिन्न विषयों पर फोटोग्राफी, स्लोगन, निबंध, पोस्टर प्रतियोगिता और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया गया है। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्राओं ने ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग, सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम, हाइड्रोपोनिक्स, द्विबीजपत्री तने, डीएनए आदि विषयों पर मॉडल प्रस्तुत किए और इस अवसर पर ऊर्जा संरक्षण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता में तनीषा जाट प्रथम, क्षिति पटेल द्वितीय और बेदी सिमरनजीत कौर तृतीय स्थान पर रही। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर हर्षिता राठौर, द्वितीय स्थान पर तनीषा जाट और तृतीय स्थान पर हेमलता बनूधा रही। मेहंदी प्रतियोगिता में हुदा फातिमा प्रथम, इशिका सैनी द्वितीय और कुसुम चौहान तृतीय स्थान पर रही। प्रतियोगिताओं में निर्णायक मंडल में डॉक्टर साधना सेवक, डॉक्टर सुनील कुमावत, डॉक्टर हीर सिंह राजपूत उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर के पेंसिया ने किया। संचालन डॉक्टर हीना हरित और आभार डॉक्टर प्रियंका ढलवानी ने द्वारा किया गया। आज 28 फरवरी है तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय में भी विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो सीवी रमन सर, जो जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर रमन प्रभाव के लिए, उन्होंने इसकी खोज 28 फरवरी 1928 को की थी। इसलिए ये 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है और मनाने का उद्देश्य है कि जो विज्ञान की प्रगति हुई है, जो विज्ञान में हम देखते हैं कि आज हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का बड़ा उपयोग है, उसका प्रचार प्रसार करना, लोगों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत करना, खास करके विद्यार्थियों में, ताकि वो नए इनोवेशन कर सकें। तो इसी उद्देश्य को लेकर के जाजू कन्या महाविद्यालय में भी हमने विज्ञान दिवस मनाया है। इसमें बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए हैं, अलग अलग बायो के हैं, कोई पोली हाउस बना रहा है, कोई डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो कोई जो है ऊर्जा संरक्षण के ऊपर मॉडल्स बना करके लाए हैं, किस प्रकार से हम खेती करते हैं तो उसके अंदर सोलर एनर्जी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसके भी मॉडल में प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा बच्चों ने स्लोगन भी लिखे हैं और पोस्टर भी बनाए हैं, ताकि अधिक से अधिक विज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके और छात्रों में विज्ञान के प्रति जागरूकता आए। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन रोशन की रिपोर्ट।